किसी भी बाइक के हेड का बार बार बल्ब टूट जाता है या फिर टेढ़ा हो जाता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका समाधान क्या है, क्या क्या हमें काम करना होगा अपने बाइक में, क्या दिक्कतें आखिर आ गई है जो इस तरह की समस्या बन रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से ये जो हेड देख रहे हैं ये हीरो कंपनी की आई स्मार्ट जो 110cc का बाइक होता है उसी बाइक का ये हेड है जिसे सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ होता है। और ये जो बल्ब देख रहे हैं ये टूट गया है, दो फाँक हो गया है और ये इनलेट वाला बल्ब है जो कार्बोरेटर के साइड से आता है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आखिर बल्ब टूटता कैसे है। जहां तक बल्ब की कंडीशन हमें साफ बताता है कि बल्ब टूटने का क्या कारण हो सकता है। तो ये इनलेट बल्ब जो कार्बोरेटर के साइड से चलता है, पेट्रोल आने का काम करता है, ये वो वाला बल्ब है। और ये हो गया साइलेंसर वाला बल्ब जिसे हम एग्जॉस्ट बल्ब बोलते हैं। और ये इनमें से एक बल्ब टूटा है और एक बल्ब जो है टेढ़ा हुआ है। तो इनलेट बल्ब जो है दोस्तों ये टूट चुका है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बल्ब के जहाँ पर गाइड में लगता है बल्ब वहाँ पर कुछ स्क्रैच टाइप का है और कुछ ऐसा लगता है जैसे कि लोहे का पार्ट या कुछ भी इसके ऊपर जो है जम गया हो, कुछ इस तरह का हमें देखने को मिल रहा है। तो जहाँ तक मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मेरे ख्याल से जैसे मुझे पता है इसके बारे में, मैंने इस बाइक का जो इंजन ऑयल निकाला था तो बहुत ही कम निकला था, बिल्कुल ज़ीरो निकला था। जी हाँ दोस्तों, कुछ काफ़ी कम इंजन ऑयल होने की वजह से जब बाइक हम चलाते रहते हैं और इंजन काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है तो जिस तरीके से बाइक का पिस्टन या फिर क्रैंक जो है सीज कर जाता है, उसी तरीके से इसका भी जो है हेड का बल्ब जो है सीज कर जाता है। क्योंकि बल्ब जो है एक गाइड से कनेक्ट रहता है और गाइड जो होता है वो लोहे का होता है और बल्ब जो होता है वो भी लोहे का होता है। दोनों लोहे का होने की वजह से जब इंजन में मोबिल ऑयल नहीं रहेगी, सही तरीके से मोबिल हर जगह नहीं पहुँच पाएगी, तो उससे क्या होता है कि वो चलते चलते गर्म होने लगता है, हीट होने लगता है और हीट होने की वजह से ये जो है आपस में जो होता है क्या कि वो पिघल जाता है और लोहे का टुकड़ा बन के वो आपस में जम जाता है और ये जाम कर जाता है। और जाम होने की वजह से दोस्तों इसका बल्ब जो है वो टूट गया है। तो इसको हमें ठोक कर खोलना पड़ा है। जहाँ तक बता दूँ कि इसका जो एग्जॉस्ट बल्ब है ये बिल्कुल सही है, लेकिन इनलेट वाला जो बल्ब है वो बिल्कुल सही नहीं है और वो जो है जाम होकर टूट गया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब दोनों बल्ब जाम होकर टूटना चाहिए। कोई भी बल्ब हुआ जो मतलब ऐसा दिक्कत आया जो ये टूट गया है, तो ऐसे कई कारण हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने जो इस वीडियो में बताया यही कारण हो सकता है बल्ब टूटने का। आपके बाइक में अगर ये समस्या बन रही है, बार बार बल्ब टेढ़ा हो रहा है या फिर टूट रहा है, तो दो तीन कारण हो सकता है। जैसे कि हेड का सीट ख़राब हो जाना, सीट ख़राब होने की वजह से बल्ब जो है ऊपर की ओर ज़्यादा चला जाता है, या फिर टैपिट का जो एडजस्टर होता है रोकर के साथ जो एडजस्टर लगा हुआ होता है जिसे कि हम टैपिट या फिर सेटिंग करते हैं बल्ब की एडजस्टमेंट करते हैं, अगर वो ख़राब हो गई है, घिस गई है टैपिट एडजस्टर बोल्ट टूट गया, मतलब घिस गया है, तो उसके वजह से भी जो है बार बार बल्ब टेढ़ा हो सकता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है चलते हुए अचानक टाइमिंग चेन उतर गई या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग चेन ढीला होने की वजह से जो है टाइमिंग आउट हो जाती है, तो उस कारण में भी ऐसे सिचुएशन में भी जो होता क्या है कि मतलब बल्ब टेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमने नहीं देखा इस बाइक में, बस यही देखा कि इसका जो बल्ब है ये जाम था। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका जो बल्ब है वो जाम होने की वजह से, सीज होने की वजह से ही ये टूट गया है। बाकी और कोई भी वजह नहीं थी, क्योंकि इसका टाइमिंग वगैरह बिल्कुल ओके था, टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। अगर आपके बाइक में भी ये सब दिक्कत आती है तो आप यही सब चीज़ें चेक करें, चाहे तो इंजन ऑयल कम होने की वजह से ऐसा हुआ होगा या फिर सब चीज़ ठीक है, बार बार अगर टूट रहा है टेढ़ा हो रहा है तो हो सकता है टैपिट एडजस्टर ख़राब हो गया हो या फिर बल्ब का गाइड ज़्यादा घिस गया हो, साइड प्ले हो गया हो और उनके वजह से सही तरीके से बल्ब काम ना कर रहा हो। तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों देखना पड़ेगा। टाइमिंग चेन और हेड, यही दो जगह पर दिक्कत आती है जो बार बार बल्ब टेढ़ा होता है या फिर टूटता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा पाया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।